और इसी बीच आप सर्कल का शिफ्ट तो देखिए, टीम एक्स पार्क क्या बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास रहेगी। ग्लिच एक्स रीबॉर्न ज्यादा रोटेट करने की जरूरत पड़ी नहीं, गॉड्स रेन जिन्हें बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत थी एक बार फिर से सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। विज गॉड उन्होंने इस वक्त क्रिप्टन को डाउन किया है, ब्लेज उनको भी डाउन किया जाएगा। फ्लूइड वो अंदर जाने की कोशिश कर तो रहे पर देखना ये कि क्या वो डाउन कर पाएंगे, उन्होंने डाउन भी कर दिया और क्या ये 1v3 या 1v4 विजगॉड के द्वारा देखने को मिला था। पर देखते ही देखते दलजीत उनको डाउन किया जाएगा, विजन वो भी नॉक किए गए, मोहित इसी बीच कहीं और से डाउन होते हुए, संयम उनको भी नॉक किया जाएगा और अब एक आखिरी खिलाड़ी शायद मेडल के बसते। पर इसी बीच अगर ग्रेड की बात की जाए तीन खिलाड़ी हैं उनके सामने, पर देखते ही देखते कहीं और से शॉट पड़ता है ब्लैक, वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे ओआरबी से, उनको भी समाप्त किया गया और ओआरबी इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं खेल पाए, शून्य अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन। पर मेडल ई स्पोर्ट्स दिक्कतें इनके लिए भी बहुत ज्यादा क्योंकि अब बचे हैं मात्र उनके IGL पैराडॉक्स एक नेट जरूर करेंगे यहाँ पे। उनके सामने जो प्लेयर हैं गॉड वो भी मेरे ख्याल से अकेले प्लेयर बचे हैं, एक 1v1 की फाइट यहाँ पे बच चुकी है और दोनों के पास एक शॉटगन आपको शायद देखने को मिल सकती है। जंपर क्या शॉट भी दिया और शानदार दिया, रीलोड भी आया था वहां पे बट मेडल। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये 1:48 के बाद होगा क्या, पांचवा सर्कल है और अभी भी आपको 12 टीम 41 खिलाड़ी दिखाई देंगे और देखते देखते डाउनहिल के एक और खिलाड़ी उनको भी समाप्त किया गया, टॉप डॉग उनको भी समाप्त किया गया जली के द्वारा। और पुकार अपनी टीम से अकेले खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा दूर अकेले वो निकल गए। इन सबके बीच में टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम मेडल उनकी फाइट चलती हुई, पैराडॉक्स जोनाथन का वो बढ़िया ग्रेनेड डाउन किए जाएंगे और पैराडॉक्स समाप्त भी कर दिए गए और अब बचते हैं मेडल ई स्पोर्ट्स के मात्र दो खिलाड़ी। रश किया था इस कंपाउंड के ऊपर मेडल ई स्पोर्ट्स ने, चाह रहे थे कि जून के अंदर जो कंपाउंड है वो इनका हो जाए, बट गॉडलाइक डिफेंड अभी तक तो शानदार तरीके से किया है, तीन फ्रैग्स उनके पास है और जोनाथन अब खुश करना वो चाहते हैं कि फटाफट से यहाँ पे अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म किया जाए। थर्ड पार्टी होने के चांसेस भी जरूर के अंदर, बट ये क्या हुआ, आदित्य का वो नेड आया, उन्होंने अपने ही दो प्लेयर्स को नॉक कर दिया, ये बहुत ही खतरनाक मूव आदित्य, ये आपने किया तो किया क्या। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सामने वाले के हेलमेट से लग के वो ग्रेनेड पीछे आया, वो पोल में तो ग्रेनेड लगा भी नहीं, उस खिलाड़ी को समझना चाहिए था। पर मुझे लगता नहीं है कि मेडल ईस्पोर्ट्स ने फिनिश मीट पे ध्यान दिया, उन्हें पता नहीं चला कि वो जो दो प्लेयर थे वो सामने आपके प्रतिद्वंदी के थे जो डाउन कर दिए गए। मेडल ई स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया मौका उनके पास था और मौका वो खो चुके हैं। पर मैं देखना चाहता हूं कि बाकी टीम में से किसी ने भी यहां पर रश नहीं किया, टीम गॉडलाइक एक बार फिर से चार खिलाड़ियों के साथ। एक पैनिक सी सिचुएशन वहां पे बनी थी बट चलिए, सिली के एस ब्लॉक को भी यहां पे डाउन करा जाएगा, गॉड्स भी वहां पे अब शिरकत करते हुए फाइट्स के अंदर, लेकिन जो आक्रमण था मेडल के ऊपर वो रुक गया, अब वो दोबारा से नहीं जा रहे उनके ऊपर, ये भी एक अलग चीज देखने को मिली कि रिट्रीट कर लिया उस सिचुएशन में से गॉडलाइक ने, बट गॉड्स वो नहीं रुक रहे। सिली के फाउल को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। इधर अगर बात की जाए सिली की टीम की, एक एक करके वो प्लेयर्स गवाते हुए, जोनाथन एक बार फिर से उस ग्रेनेड के साथ वो गए हैं, पर देखना ये कि ठिकाने पर जाएगा, जी हाँ वो अंदर गया तो सही, इनकोर उनको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है, पर इसी बीच जी गॉड एक और फिनिश उन्होंने उठाया है, फाउल को समाप्त किया निकी, उनको भी डाउन किया जाएगा, एक ओपी उनको भी समाप्त करने की कोशिश रहेगी। जोनाथन एक आखिरी ग्रेनेड उनके पास है, क्या ये ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला है देखना रहेगा। कुक तो किया पर वहां से वो जो खिलाड़ी थे वो निकल गए और अभी भी टीम गॉडलाइक चार फिनिशेस के साथ। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, सर्कल और बैक टू बैक टीम गॉडलाइक के ऊपर ये सर्कल एक बार फिर से मेहरबान। बट जी गॉड वो अंदर गए, उन्होंने नेट डाला वहीं पे, संयम खिड़की के पास गए, उनको नॉक करा गया और उन्होंने खत्म करा अपने अपोनेंट को, कंपाउंड को डिफेंड किया, एक गलती जरूर यहाँ पे हुई थी बट जोनाथन इस बार उनको डाउन किया जाएगा, पीछे से स्प्रे जरूर आते हुए जिस कंपाउंड में यहाँ पे टीम गॉडलाइक है वो जोन अभी भी उनके पास है, बट मेडल ईस्पोर्ट्स कोशिश करी जोन के अंदर जाए, काम नहीं किया, फिनिश हुए यहाँ पे। सबसे बड़ी बात आप देखिए स्पीरो की टीम गॉडलाइक के आसपास कोई और आपको खिलाड़ी दिखाई भी नहीं देता, सीनियर इसी बीच उनको भी डाउन किया गया, शानदार। अगला जो सर्कल बनेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा बट ग्लिच के रोमन को जी गॉड के द्वारा नॉक किया गया। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं तो कितने सारे फिनिशर्स उनके पास आने वाले हैं स्पीरो। इन सबके बीच में एप्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं, तीन खिलाड़ियों के साथ अभी भी ये टीम मौजूद है और देखते ही देखते विजगॉड उन्होंने पांच फिनिशर्स निकाले, रोमन उनको भी समाप्त किया गया और अब ग्लिच एक्स रीबॉर्न
बचती है दो खिलाड़ियों के साथ। रैल्फ उनको पीछे से डैमेज पड़ता हुआ, टीम गॉड लाइक परेशानी में उनको डाल सकती है रैल्फ। वो मॉली आया, फेनिक्स को वहां पे डाउन किया जाएगा। फॉक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, आदित्य के द्वारा उनको भी समाप्त कर दिया गया स्कूबा एक और ग्रेनेड के साथ। और इसी के साथ फॉरेस्ट एप फाइनली उनका जो एलिमिनेशन था वो आपको दिखाई तो दिया, पर जाते जाते बहुत सारे फिनिशेस और साथ ही साथ वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट। 4 टीम्स, 8 प्लेयर्स, निंजा जो, और ये आखिरी फर्स्ट एड उनके पास। इसके बाद उनको भागना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे। लेवल 3 का हेलमेट था, लेवल 3 का वेस्ट था, कोई उनको स्पॉट नहीं हुआ, वो खत्म हुए। बट अपनी टीम को शुरुआत में एक प्लेयर गंवाने के बावजूद टॉप 4 में वो लेके आ गए। वहीं अगर ग्लिचेक्स रीबॉर्न की बात की जाए, 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, जोन का एडवांटेज उनके पास। सामने जोनाथन आए जरूर है जोन के अंदर, स्मोक करेंगे, अपने साथियों को बुलाएंगे जोन के अंदर। बट वहीं अगर अमन की बात की जाए, क्या किसी को पता है वो वहां पे हैं? देखना ये है कि जेली क्या वो देख पाए अमन को, शायद हाँ। वो फुट से ता चुका है और उनके पीछे और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने अमन को देख लिया, और अब जेली उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। काफी ज्यादा डैमेज जेली दे चुके हैं अमन, उनको थोड़ा और संभल के रहने की जरूरत है। पर देखना यह कि अमन क्या उनको समाप्त किया जा सकता है। जी हाँ, जली के द्वारा एलिमिनेट किया गया। और देखते ही देखते टीम गॉड लाइक वो टोटल 9 फिनिशेस के साथ आपको दिखाई देंगे। जोनाथन वो आगे गए, इनको भी 6 मीटर दूर अंदर जाना है सर्कल के अंदर। वहीं पे ग्लिचेक्स रिबॉर्न, उन्हें मात्र केवल 3 मीटर दूर जाना था सर्कल के अंदर, पर इन सबके बीच में 5 फिल्टर बढ़िया खेला, वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए। पर जोनाथन वो गाड़ी से गिरे, गाड़ी ब्लास्ट हुआ, और वहां पर वो दिखाई देंगे डाउन होते हुए। जी गॉड बहुत ज्यादा ओपन में। सबसे बड़ी बात कि अभी भी वहां एक डिप है जहां टीम कम से कम थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। बट इसी बीच ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो जोन के बाहर है और वो जोन के अंदर शायद ना जा पाए। स्मोक्स नहीं है उनके पास, नेट्स नहीं है उनके पास। ये स्मोक्स या नेट्स उनके पास होते तो शायद यहाँ एडवांटेज मिलता, बट स्मोक्स और नेट्स हैं गॉडलाइक के पास। चलिए सी गॉड एक बार फिर से ये खिलाड़ी दिखा रहा है कि सपोर्ट रोल के अंदर होने के बावजूद कितने फ्रैग्स ये निकाल सकते हैं। बट स्कूबा एक आखिरी खिलाड़ी खुद के ऊपर मॉलोटोव उन्होंने करी, वो खत्म करना चाहते हैं, बट टीम गॉडलाइक लेके जाएगी एक शानदार विनर विनर चिकन डिनर। और उनको पता भी था कि वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है, और उनको भी पता है कि हाँ वो फिनिश देना उनकी टीम के लिए सही नहीं है, और सामने वाला एक एक अंक से अपनी टीम को बहुत ज्यादा ऊपर तक लेकर जा सकता है। और टीम गॉडलाइक पहला ही मैच 10 फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर 25 अंक पहले ही मुकाबले से।